हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और इस टाइम पे बस घर पे ही एक रैंडम रूटीन के साथ हूँ। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, ये फुल भरा हुआ है। बट अभी बच्ची को स्कूल छोड़ के जो है, मैं आराम से अपना नाश्ता करूँगी और थोड़ी देर सोऊँगी, एंड उसके बाद उठ के देखूँगी कि मैंने क्या करना है, किस तरह करना है, क्योंकि बाद में बेटी को पिक करने भी जाना है स्कूल से। सो या अभी तक की मैंने कहा आपसे एक रैंडम डे की रूटीन शेयर करती हूँ जो आजकल की मेरी है, एंड इट्स प्रिटी हैक्टिक। मुझे लगता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो लगता है कि जैसे बच्चों के साथ ना माँ का दाखला हो गया है। तो सुबह 6 बजे से उठ के, और यहाँ पे एक सिस्टम है कि यहाँ पे आपको 3 लंच बना के देने पड़ते हैं। टर्किश फूड मेरी बेटी इतने शौक से नहीं खाती, इसलिए मैंने इसके स्कूल में वो ऑप्ट नहीं किया। इसको मैं घर से ही लंच देती हूँ। तो उसमें होता है कि आपको ब्रेकफास्ट देना पड़ता है, एक आपको लंच देना पड़ता है, और एक आपको स्नैक देना पड़ता है। तो वो सारे लंच मुझे बनाने पड़ते हैं, मैं रात को ही प्रिपेयर करके रखती हूँ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई, थोड़ी सी मैं यूज्ड टू हो जाऊँ इस रूटीन की, तो मैं उस पर भी व्लॉग पूरा बनाऊँगी कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन करती हूँ। मैं मोस्टली रात को ही हर चीज़ प्रिपेयर करके रख देती हूँ कि सुबह उठ के मुझे सब जो है ना स्क्रैच से ना करना पड़े। तो मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, एंड मैं भी अब आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ तो इतनी प्यारी धूप लग रही है, लेकिन इस धूप पे मत जाइएगा, बहुत शदीद ठंड हो रही है। मौसम काफ़ी क्लियर है और अच्छा प्लेजेंट लग रहा है, लेकिन आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये सिर्फ देखने में ही अच्छा और प्लेजेंट लग रहा है, लेकिन असल में जो है शदीद किस्म की ठंड हो रही है। और मैं बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट अगर आप तो मेरे मुँह से धुएँ निकल रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो या इस तरह से आजकल का यहाँ मौसम हुआ हुआ है, और काफ़ी मतलब ठीक है, एंड मैं इससे ज़्यादा जो है ऑनेस्टली बताऊँ, इससे ज़्यादा जो है ना इस ठंड में नहीं खड़ी हो सकती। जो सच्ची बात बताऊँ, बहुत ठंड है, और मैंने सिर्फ जो है घर में पहने हुए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर यहाँ पे काफ़ी गर्म है, तो घरों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है। मैं ऐसे ही लॉन के ही सूट में फिरती हूँ, बट जब आप बाहर जाते हो ना, तो आपको सही जब थप्पड़े पड़ती हैं ना ठंड की, फिर आपको पता चलता है। सो चलें जी, आज का दिन आप मेरे साथ गुजारें। इस टाइम पे अभी गई थी मीग्रोस, आलू ख़त्म हुए हुए थे, लेने थे, ब्रेड नहीं था, तो वहाँ पे बड़े मज़े की ये ताज़े ताज़े क्रोसेंट्स और ये पताता रोल्स आए हुए थे, बोरिक रोल लेने कहते हैं, सो बहुत मज़े के क्रिस्पी हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ, साथ है मेरी चाय, और इसके साथ मैं अभी बैठ के जी यहाँ पे अपना थोड़ा देर के लिए टीवी देखूंगी, और उसके बाद जो है मुझे नींद भी आई हुई है, बस नाश्ता करते करते थोड़ी देर टीवी देखती हूँ और उसके बाद मैं सो। मुझे पर्सनली पसंद है पॉडकास्ट। जब भी मैं घर में काम कर रही होती हूँ, स्पेशली जब मैं कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ, तो मैं इस तरह की पॉडकास्ट लगा लेती हूँ, जिसमें ज़्यादातर होता है कि अब जाहिर है हम बच्चा पाल रहे हैं, बच्चे को रेस कर रही हूँ, उसको मैं पाल रही हूँ, तो मेरे लिए इनफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कल को मेरा बच्चा मुझसे कुछ सवाल कर दे, कुछ कर दे। और वैसे भी जो है अपने दीन के हवाले से, और हमें ऐसी चीज़ों को अपने रिफ्रेश करना चाहिए, मोटिवेशनल टॉक। मैं पर्सनली जब मैं अपने फ्री टाइम में होती हूँ, तो मैं ज़्यादातर जब स्पेशली जब मैं कुकिंग या इस तरह कर रही होती हूँ, तो उस टाइम पर मैं इस तरह के जो है ये पॉडकास्ट लगा लेती हूँ साथ में, और साथ साथ वो सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। रात को मैं ये देख रही थी, ये मोहम्मद अली हैं, इनका पेज है यूट्यूब पे, इन पर बहुत अच्छी पॉडकास्ट आती है, और आज वाली पॉडकास्ट जो है ये इनकी ख्वाब पे है, कि भी ख्वाब की ताबीर या ख्वाब का किस तरह से है। एंड गाइस, आपको बताऊं कि हम लोगों को मतलब हम लोगों ने बेसिक नॉलेज रखना छोड़ दी है, हमारा दीन इतना आसान है और हमने उसको इतना मुश्किल बना लिया है। सो या हमें कुछ चीज़ें ना हमें खुद समझनी चाहिए, और ये नहीं कि जो बताई गई हैं सिखाई गई हैं उसी पे ही हम जो है वो एक कोलू के बैल की तरह सिर्फ चलते रहें। हमें अपनी भी एक अशरफुल मखलूकात हम इसलिए कहा गया कि हम वो जस्तजू करें, हम इस तरीके से उसको भी देखें, हम उसको ढूंढें, उन सवालों को ढूंढें जो हमारे अंदर आते हैं। और यही वजह थी पिछले 1.5 साल से मैंने अपने आप को इस तरफ लगाया, और मैं मोस्टली मोटिवेशनल टॉक, पॉडकास्ट और इस तरह की चीज़ें देखती हूँ। जो मेरे जहन में सवाल आता है मैं उसको ज़रूर देखती हूँ, ये नहीं कि मैंने अम्मी ने ये बताया था, उन्होंने ये बताया था, मैंने ये करना है। सो इससे हट के, हाँ थोड़ा मुश्किल होती है हमारी सोसाइटी में,
जब आप इस तरह के सवाल या इस तरह से कुछ हट के बात करो तो वो एक्सेप्ट नहीं होती है ना, तो इसी तरह की चीज़ है। खैर बहरहाल मैंने कहा आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एंड आई डू रिस्पेक्ट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का अपना एक मानना होता है, हर कोई बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। तो जस्ट वोक अप फ्रॉम द नैप एंड ये जो बीच में कॉल्स वगैरह इंटरप्ट करती है ना यार, बहुत ज़्यादा, तभी दो मरतबा नींद ख़राब हुई। बट नाउ अब उठ गई हूँ, अब मुझे क्लीनिंग करनी है। चलिए जी अब क्लीनिंग करते हैं, घर की इस भाग दौड़ में शामिल होते हैं। To do when all I can is thinking about you not doing well. So, अभी की सिचुएशन ये है कि घर में पानी नहीं आ रहा है, और वो क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। बाहर हो रही है क्लीनिंग आज पूरी वाटर सप्लाईज की, हीटर्स की, क्योंकि आगे बहुत जल्दी ठंड आने वाली है। एंड मैं वॉशरूम गई और शुक्र है मैंने वॉशरूम यूज़ कर लिया था, उसी के बाद जब मैं गई तो अचानक ही चलते से पानी बंद हो गया। एंड अभी मुझे डिशवॉशर लोड करना है एंड मसला ये आ रहा है कि डिशवॉशर मैं लोड नहीं कर सक रही हूँ। वजह ये है कि पहले मुझे उसको रिंस करना है बर्तनों को और फिर मैंने डिशवॉशर लोड करना है। सो लेट्स सी, जब तक कचरा फेंकती हूँ देखती हूँ पानी आता है नहीं आता, नहीं तो फिर अलीशा को स्कूल पिकअप के बाद आके डिशवॉशर लोड करूँगी। Sort out this. I need to sort out this thing. इसको सारा लोड करना है मुझे और उसके बाद ये चूल्हा मुझे साफ करना है। ये कचरा है, चलें जी हम जरा कचरा फेंक के आते हैं। This has happened now. Look at that. मेरा वो फ्लश का वो खुला रह गया था और now मतलब जब आपको जल्दी करना हो ना काम, आपके साथ यही होता है। सब आके भी क्लीन करते हैं, चलें जरा जल्दी से। They have just cleaned. And look at that, क्या कचरा कर दिए हैं यहाँ पे। और भी यहाँ पे ये लाइन से सबका क्लीन किया जा रहा है। लोग अपना बिल्डिंग का कचरा यहाँ पर फेंकते हैं। शुक्र है मैंने टाइम पे देख लिया, अगर मैं ना देखती ना मैं कहीं होती बाहर और पानी आ जाता और ये पानी लीक होता रहता तो भाई साहब मेरा पूरा वॉशरूम गीला हो जाना था। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे वॉशरूम्स का ये है कि यहाँ पे जैसे वॉशरूम पाकिस्तान में होता है ना, हमारे पाकिस्तानी इंडियन घरों में होता है कि ड्रेनेज आपका नीचे ही बना होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ना अगर कुछ पानी गिर गया तो आपको सोक करके आपको निचोड़ना होगा, आपको यहाँ कोई ऐसा ड्रेन का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। सो या लेट मी क्लीन पेपर पैड्स। देयर इज नॉट मच टू डू when all I can is thinking about you not doing well, don't know where you are 'cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you I would, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. That you were safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you I would, I would, I would, I would, I would.
talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. मैंने अभी फिक्स कराया है अपना, ये अब सूख चुका है, मैं इसको भी अभी फिक्स करती हूँ। मैंने टॉवल लटकाना है, ये टूट गया था यहाँ से, और इसको अभी दोबारा से सिलिकॉन से लगवा के, और इसको सारा था इस वजह से उन्होंने मना किया था कि अभी इसको नहीं लगाना, अभी इसको फिक्स करते हैं। सो या मेरा वॉशरूम हो चुका है क्लीन, चलो इस बहाने वॉशरूम की सफाई हो गई। We are going to get Arisha, उसको पिक करने जा रहे हैं और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बस जल्दी जल्दी निकल रहे हैं हम लोग, उसको पिक करते हैं और घर आती हूँ। जब तक मैंने, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी इसलिए मैंने बनाया नहीं, मैंने वैक्यूम किया बस सारे घर का, और अब घर जाके एक बार पोछा वगैरह मारूंगी एंड देन खाने का स्टार्ट करूँगी। सो यार हमारा रोज़ का दिन ऐसे ही मसरूफियत में गुजरता है कि बस सारे चोर्स ही साथ के साथ हम लोग पूरे कर रहे होते हैं, यानी कि मैं ही कर रही होती हूँ और मेरे साथ कोई हेल्प तो है नहीं। को पिक कर लिया है एंड आज हम थोड़े से लेट हो गए थे एंड व्हेन आई वेंट देयर और इसकी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल इतना हिला हुआ है ना अभी तक कि हम लोग सिर्फ जो है 10 मिनट लेट हुए वहाँ पे, जब बच्चे आ रहे होते हैं और वो मदर्स उनको लेके जा रही होती हैं, तो इसको भी हर बार होता था एंड आज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम हमने नहीं करनी। कल इंशाल्लाह हम पहले से ही खड़े होंगे अपने बच्चे को लेने के लिए एंड अब जाके ये थोड़ी स्लीपी है एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गाड़ी में ही इसको थोड़ा सा पावर नैप दिला दूँ ताकि ये रात को टाइम पे सोए। घर में जाके अगर ये सोती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब देर से उठती है। सो कल जैसे ये घर जाके सोई थी तो मैंने 20 मिनट्स का टाइमर लगा दिया था, 20 मिनट्स बाद मैंने इसे शार्प उठा दिया था, तो रात को ये आराम से सो गई थी। तो इस तरीके से मैं इसकी आजकल रूटीन बना रही हूँ क्योंकि रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है एंड अभी इसका सिर्फ आज फर्स्ट वीक है। सो जी दुआ करें इसका जो है ना ये अच्छा सा चलता रहे और मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है, इतना ट्रैफिक कि हमें कोई, मेरे ख्याल से कोई 7 मिनट हो गए अभी तक स्कूल के बाहर वाली रोड से जाते जाते, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। और आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे हैं। That's all I wanna do. I hope that you're safe. If I could lay down beside you, I would. तो मैंने ये आलू चिकन का सालन बना लिया है, डिश वॉशर मैंने सारा भर दिया है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं खाना बनाने के बाद, मैं ये भर रही हूँ और साथ में मैं रोटी रखूँगी। और इस तरीके से कल रात मेरे हस्बैंड लेके आए थे विंग्स वगैरह तो बच गए थे, वो मैंने यहाँ रख दिए हैं तो साइड के तौर पे कि अगर साइड डिश अगर उन्होंने खाना हो तो। मुझे तो ज़्यादा ये घर का खाना पसंद है, मुझे इन लोगों के ये वाले ना
मसाले नहीं पसंद, जो ऑनेस्टली बताऊँ इस वजह से मुझे इतने इनके ये टिक्के और ये पसंद नहीं आते। या तो बंदा घर बनाए, लेकिन अभी मेरा जो है अवन चलता नहीं है यहाँ पे, उसका कोई बिजली का इशू है, मुझे ये हमारा अवन जो है आर्चलिक का है, वालों को बुलाना पड़ेगा, वो आके इसको चेक करेंगे और उसके बाद वो ही फिक्स करेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग में जो इन्होंने सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं वो आर्चलिक की हैं, इस बिल्डिंग में जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें भी यही है कि ये इसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, और चीज़ें जो मेंटेनेंस होती है या कोई अगर स्विच लगाना है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसे कि भाई अब जैसे मैंने वाली लाइट लाई थी तो मैंने इनसे कहा था कि किसी को भेज दें मैं ये वाली लाइट लगवाऊंगी, तो उन्होंने मेरी ये लाइट फिक्स कर दी थी। तो इस तरह के काम कर देते हैं ये लोग, लेकिन ये जो इनके टेक्निकल काम होते हैं वो ये नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बाकी चीज़ें यहाँ के देख लेते हैं, और मंथली हम लोग आयदत वगैरह पे करते हैं यहाँ पे किराए के साथ। लाइक पहले तो कम थी, अब इन्होंने वो ज़्यादा कर दी आई थिंक। अजीज़ हमारी आयदत कितनी है? 600 समथिंग है, पहले हमारी 400 कुछ थी, अभी इन्होंने बढ़ा के 600 कर दी है, जिसमें हमारा पानी का बिल भी आता है ना, तो हमारा बिल कौन सा पे होता है इसमें? अच्छा, आयदत में कोई बिल पे नहीं होता, वो अलग से आता है बिल, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, पानी का आजकल जैसे है ज्यादा आ रहा है। अच्छा, एक मजे का फैक्ट बताऊं, जैसे पाकिस्तान में होता है बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है बंद कर दो सब कर दो, यहाँ उलट हिसाब है यूरोप में, यहाँ पे बिजली का बिल इतना नहीं आता मगर यहाँ पे पानी का बिल, भाई साहब आप समझ लें वही वाली हाल है जो पाकिस्तान में बिजली के बिल का होता है। तो पानी बहुत देख के यूज़ करना पड़ता है, और यही वजह है कि हम लोग डिश वॉशर यूज़ करते हैं। मैं पहले बर्तन हाथों से धोती थी, तो मुझे मेरी नेबर में जो टर्किश मेरी नेबर है उसने मुझे बताया कि डिश वॉशर लगा हुआ है इसमें धो, इसमें लिमिटेड पानी यूज़ होता है भाप में, और इस तरीके से खास प्रेशर से बर्तन धुल जाते हैं, जो तुम एक पॉट धोने में जो तुम 2-3 जो है केजी पानी यूज़ करते हो, तकरीबन 1.5 गैलन हम पानी सिर्फ 2-3 चीज़ों में ही यूज़ कर लेते हैं, तो ये मिसयूज़ है पानी का। और यहाँ पे वॉश करने का भी तरीका ये है, इन्होंने शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे ड्रेनेज वगैरह नहीं है, आपको मॉप करना पड़ता है फर्श पूरा, आप यूँ पानी गिरा गिरा के जैसे हम पाकिस्तान में वाइपर मार मार के साफ करते हैं ना, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है वॉशरूम्स का। सो या अभी तक मेरे मैट नहीं सूखे, जो सुबह मेरे साथ डिजास्टर हुआ है ना, अभी तक मेरे मैट नहीं सूखे। एक तो इतनी सर्दी है, रात में मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी देर के लिए हीटर पर रख दूंगी ला के, ताकि वो सही से सूखें और मैं वॉशरूम में रखूं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इस घर में हमें बड़ा सुकून है कि यहाँ पे फर्श गर्म होते हैं, फ्लोर हीटेड होते हैं, और वो इस वजह से होते हैं शायद कि यार यहाँ पे ना पानी की पाइप्स गुजर रहे हैं दीवारों के अंदर से, तो ऊपर नीचे से, और उसी वजह से हम हीटर भी कम चलाते हैं क्योंकि वो फर्श भी गर्म होते हैं। जैसे वॉशरूम की और इन जगहों पे मैं खड़ी हुई हूँ तो नंगे पैर तो मुझे सुकून मिल रहा है, यहाँ पे बड़ा गर्म सा एक फर्श आ रहा है, और इसी तरीके से दीवारें भी गर्म होती हैं तो बहुत गर्मी हो जाती है। इवन कि अभी भी थोड़ा सा हमने वेंट खोला हुआ है, क्योंकि जब खाना बनाओ और साथ में सारे काम करो तो घर बहुत मतलब सफोकेटेड और गर्म होना शुरू हो जाता है, तो हीटर्स हमने बंद कर दिए हैं। और हीटर मतलब जब स्नोफॉल या जैसे अभी है, जैसे मैं फजर के टाइम नमाज के लिए उठती हूँ, सब मुझे ठंड लग रही होती है, तो उस टाइम मैं जो हूँ आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए हीटर ऑन कर देती हूँ, और जैसे ही अरिशा का सब किया, जब वो चूल्हा चूल्हा जलता है तो फिर क्योंकि मेरा कनेक्टेड छोटा सा घर है तो उसमें फिर वो दोबारा से जो है ना सही हो जाता है, घर फिर से वार्म हो जाता है, और फिर हीटर बंद करना पड़ता है क्योंकि गर्मी हो रही होती है, फिर अरिशा को तैयार करना होता है, जब उसको लेयर करके यूनिफॉर्म पहनाओ तो फिर बच्ची को घबराहट शुरू हो जाती है। सो दिस इज द रीजन, अरिशा को भूख लगी है, मैं अरिशा को खाना खिलाती हूँ, और ये थी मेरी आज की पूरे दिन की रूटीन इसी तरीके से काम में बिजी। तो यहाँ तक मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। बहुत सारे लोग हैं, ये लाइट कितनी अच्छी आ रही है वैसे, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब 65-70% लोग हैं जो मेरा व्लॉग देखते ज़रूर हैं लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो यार थोड़ी सपोर्ट और हिम्मत मुझे मिल जाएगी, और मैं इसी तरीके से आपके लिए मज़ीद अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। कुछ और अगर आप देखना चाहते हैं, किसी बारे में नॉलेज चाहिए, कुछ मैंने चीज़ें पॉइंट लिख के रखे हुए हैं, उस पर मैं प्रॉपर डिटेल व्लॉग बनाऊँगी अबाउट यहाँ हाइड्रो बिल्स, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल इंशाल्लाह। सो मैं वो साथ के साथ आपसे शेयर करूँगी,
बस थोड़ा सा मैं जरा इस रूटीन से सेटल हो जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चे के साथ मेरा दाखला हो गया। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।